अगर आप नरेंद्र मोदी के स्पीचेस सुनते हैं तो आपने उसमें कुछ सैवेज फ्रेजेस को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे फकीर, साहिबजादे और आंदोलनजीवी। जब मोदी अपने आप को फकीर बोलते हैं तो इसके जरिए इंडिया का हर गरीब खुद को उनसे रिलेट कर पाता है। वहीं मोदी अपने ओपोनेंट राहुल गांधी के लिए साहिबजादे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑपोजिशन का कनेक्शन पब्लिक से तोड़ देते हैं। यही नहीं, मोदी जी ने आंदोलनजीवी जैसे फ्रेजेस से उनके अगेंस्ट होने वाले सभी सोशल मूवमेंट्स की क्रेडिबिलिटी को भी खत्म कर दिया है। इस तरह अपने ह्यूमर और वन लाइनर्स के थ्रू अपने ओपोनेंट्स को रिटॉर्ट करने वाले मोदी देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सटायरिकल डायलॉग्स को अपनी पॉलिटिक्स का बेस बना लिया है। लेकिन वहीं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रेजेस और डायलॉग्स के लिए नहीं जाने जाते थे। अपने साइलेंट बिहेवियर के लिए फेमस मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि माय साइलेंस इज बेटर देन 1000 आंसर्स। तो दो प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों के सोचने का तरीका अलग और दोनों की पॉलिटिक्स भी बिल्कुल अलग, तो आखिर किस प्राइम मिनिस्टर के 10 साल रहे ज्यादा बेहतर? आइए कंपैरिजन करते हैं। इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी पर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इस कंट्रीब्यूशन की असल शुरुआत उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से भी कई साल पहले हो गई थी, जब 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और इस वक्त पर इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। दरअसल देश के फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। अब देश में सिर्फ $1 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स बाकी थे जो देश को केवल अगले 2 हफ्तों तक ही चला पाने के लिए सीमित थे, और ऐसे में देश बैंक्रप्सी जैसे भयानक फाइनेंशियल स्थिति की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की तरफ रुख करा और उन्हें देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़े बदलाव करे, जैसे कि उन्होंने दशकों पुराना लाइसेंस राज खत्म करवा दिया और डिसरेगुलेटेड बिजनेस को प्रमोट किया। लाइसेंस राज उस समय इंडिया के बिजनेसेस की रियलिटी थी, जहाँ किसी भी बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी और इन लाइसेंसेस को गवर्नमेंट से हासिल करना नए बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल होता था, जिस वजह से कोई भी नया बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस सेटअप करने से बहुत हिचकिचाता था। शुरुआत तो इस पॉलिसी की इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट बिजनेसेस को रेगुलेट कर सके और मैल प्रैक्टिसेस से दूर रख सके, पर भ्रष्टाचार और डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ये पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा घाटा साबित हुई। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज हटाया और नए बिजनेसेस को इंडिया में इन्वाइट किया ताकि हर तरह का बिजनेसमैन आसानी से अपने बिजनेस को इंडिया में सेटअप कर सके। यहीं से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हुई और कुछ हफ्तों पहले जहां देश की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश होने की कगार पर थी, वो अब एक हेल्दी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगी। कुछ इस तरह 1991 में मनमोहन सिंह ने हमारे देश की इकोनॉमी को सक्सेसफुली रिवाइव किया था। मनमोहन सिंह के इन सक्सेसफुल डिसीजंस की वजह से ही मनमोहन सिंह कांग्रेस पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम बनने लगे और आगे चलकर यही इंडिया के 2004 में प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले थे। हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर 2004 से लेकर 2014 तक रहा। अब क्योंकि मनमोहन सिंह खुद एक रिफॉर्म माइंडेड इकोनॉमिस्ट थे, 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस में कंट्री को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके थे, तो इसलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले देश की इकोनॉमी पर फोकस करा। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ मिलकर इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया, कई सेक्टर्स को लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की तरफ काम किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। इसमें कुछ बड़े डिसीजन थे, पुराने कॉम्प्लेक्स सेल्स टैक्स को हटाकर VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत करना, जिससे टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस कम हुई। यही नहीं, उन्होंने बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर से टैक्स के प्रेशर को भी कम करने के लिए काम किया। उन्होंने सर्विस टैक्स रिजीम की शुरुआत करी, जिसकी सबसे अच्छी बात यह रही कि उनका गवर्नमेंट रेवेन्यू पर कोई खराब असर नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के टाइम पर ही एनरेगा स्कीम की भी शुरुआत हुई थी और साल 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया की GDP ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंच गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर ईयर 2007 में इंडिया ने हिस्टोरिकली 9% की GDP ग्रोथ हासिल करी थी और उस वक्त हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की 2nd fastest ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर सामने आई थी। वहीं मनमोहन सिंह ने अपने टर्म में राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI एक्ट की भी शुरुआत करी, जिससे हमारे देश में करप्शन कम हुआ और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। आइए अब नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय इंडिया की GDP 112 लाख करोड़ रुपए थी और आज इंडिया की GDP 272 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रोथ में पीएम मोदी की पॉलिसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। पीएम मोदी इस बात को जानते थे कि बिजनेस के लिए और अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने ज़रूरी हैं। शायद यही कारण है कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है। वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया के अंडर 2022 से 2023 के बीच 36 लाख करोड़ से ऊपर का सामान इंडिया ने बाहर एक्सपोर्ट किया है और अब तो एप्पल ने भी अपने आईफोन्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब इंटरनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को चुन रही हैं।
आज इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीएम मोदी ने 2025 तक इंडिया की जीडीपी को $5 trillion तक पहुंचाने का दावा किया है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम को कंपेयर किया जाए तो अभी महंगाई और कर्ज पहले से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक कॉमन मैन की इनकम में ग्रोथ हुई है। कोविड में जहां दूसरे देशों की इकोनॉमी में भारी गिरावट आई थी, वहीं इंडिया की इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्टेबल रही। इस बात पर मोदी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज की तारीफ करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया। जहां पहले बजट का 0.4% इस पर खर्च होता था और अब बजट का 1.7% ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड की डेवलपमेंट पर खर्च होता है। वहीं दूसरी तरफ कई दूसरे सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर घटा भी। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी के बाद किसी भी गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है और दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को अपने अपने टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का सामना करना पड़ा। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एज अ प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टर्म शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2009 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% था, लेकिन 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होकर 8% हो गया। लेकिन फिर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% के रेट से बढ़ा, जो पिछले 4 decades में सबसे ज़्यादा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी यानी CMIE के अकॉर्डिंग करंटली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि हमारे देश के वर्किंग सेक्टर के लिए बहुत ही कंसर्निंग स्टैटिस्टिक है। इसकी एक बड़ी वजह पॉपुलेशन भी है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के टाइम पर बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी, उस समय भी पिछले ईयर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा महंगाई थी। एक्चुअली महंगाई और बेरोजगारी का सीधा कनेक्शन पॉपुलेशन से भी होता है, जिसमें हर साल ग्रोथ होती है और करंट ईयर में पिछले साल से ज़्यादा बेरोजगारी नज़र आने लगती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं की और आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ चुका है। एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर भी बहुत बड़ा चैलेंज था और आज नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि इन सब चैलेंजेस के बीच किसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जॉब ग्रोथ हुई। अगर जॉब ग्रोथ की बात की जाए तो 2015-16 के बीच पीएम मोदी के अंडर जॉब सेक्टर में कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन साल 2017 में इसमें 4% की ग्रोथ हुई और साल 2018 में ये घटकर 3% पर आ गई। अगर पीएम मोदी के अब तक के टाइम पीरियड को देखें तो जॉब सेक्टर में एवरेज प्रोग्रेस 2% के आसपास हुई है। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर साल 2006-09 तक एवरेज जॉब ग्रोथ 3.5% थी। वहीं 2010-2014 के बीच एवरेज जॉब ग्रोथ 2.6% रही थी। नंबर 3, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को किसी भी देश का बैकबोन माना जाता है, इसलिए दोनों गवर्नमेंट्स ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में खूब काम किया। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पावर में आने के साथ ही सबसे पहले फार्मर्स लोन माफ़ किए और फूड सिक्योरिटी बिल भी लेकर आए। हंगर, माल न्यूट्रिशन और फूड इनसिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस को देखते हुए तब की गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे। फूड सिक्योरिटी बिल के थ्रू सरकार का मेन एम देश की 2/3 पॉपुलेशन को सस्ते में अनाज प्रोवाइड करना था। इस योजना के तहत देश के 65% लोगों को फ़ायदा मिला और रूरल एरियाज़ की 75% पॉपुलेशन को इस बिल से फ़ायदा हुआ। वहीं अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए 50% लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। वहीं अब अगर मोदी गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो एग्रीकल्चर के फील्ड में मोदी गवर्नमेंट ने भी बड़े काम किए हैं, जैसे सोलर पैनल स्कीम, मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ, ब्लू रेवोल्यूशन और स्वीट रेवोल्यूशन की शुरुआत। पीएम मोदी के अंडर 2022 और 23 के एग्रीकल्चरल बजट में 5.6 गुना वृद्धि हुई थी। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट 3 नए फार्मर लॉज भी लेकर आई थी, जिनमें पहला प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 था, जिसके अकॉर्डिंग फार्मर्स बिना किसी रोक टोक के कहीं भी अपनी फसल बेच सकते थे। दूसरे एग्रीकल्चरल लॉ के अनुसार खराब फसल की भरपाई फार्मर्स को नहीं करनी पड़ती और वहीं तीसरे फार्म लॉ में स्टॉक लिमिट हटाने की बात की गई थी, लेकिन एक लंबे फार्मर प्रोटेस्ट के बाद इस बिल को वापस ले लिया गया। तो देखा जाए तो नरेंद्र मोदी फार्मर्स को अपनी पॉलिसी से सैटिस्फाई नहीं कर पाए। नंबर 4, फॉरेन पॉलिसी। किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी मुख्य रूप से कुछ प्रिंसिपल्स, इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स का समूह होती है, जिसके थ्रू कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करके अपने प्रिंसिपल्स फुलफिल करती है। 2009 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी कुछ खास नहीं रही। उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रैक्टिकल से ज़्यादा थियोरेटिकल रही। उन्होंने दूसरे देशों से रिलेशन स्टैब्लिश करने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के अंडर भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। मोदी गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने विदेशों में कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि आज दुनिया भारत को गंभीरता से देखती है। शायद यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है।
इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, चाइना, रशिया और इसराइल जैसे देशों में भी अब भारत ने अपना डिप्लोमेसी और प्रैक्टिकल पॉलिसी का दम दिखाया है। मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में पीएम मोदी के अंडर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हुई है। इस बात का एक सबूत ये भी है कि इंटरनेशनली भी इंडिया और कनाडा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जहां कनाडा जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को इंडिया के सामने मुंह की खानी पड़ रही है। आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या ओपिनियन है, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, अदर पॉलिसीज। अब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की ओवरऑल पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से एंटी नेशनल फोर्सेज के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आज देश में आतंकवादी हमले पहले से कम होते हैं, बॉर्डर पर पहले से कम टेंशन हैं और कश्मीर में आज पहले से ज़्यादा शांति है। इस बात पर मोदी गवर्नमेंट ने पिछली सरकार से अच्छा काम किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मणिपुर का मुद्दा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉमन मैन की लाइफ की इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा काम किया। उनके द्वारा लाई गई पॉलिसी जैसे मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम और फूड सिक्योरिटी जैसे पॉलिसीज, वहीं आज मोदी सरकार भी उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत के तहत कॉमन मैन की लाइफ की इम्प्रूवमेंट में काम कर रही है। अब एक बार ओवरऑल ग्रोथ पर नज़र डाल लेते हैं, आखिर आज और आज से 10 साल पहले में क्या अंतर है। दोस्तों, 2013 में भारत में 22 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, जो 2023 में बढ़कर 46 बिलियन हो चुका है। पहले भारत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन के करीब होती थी, जो अब बढ़कर 500 बिलियन हो चुकी है। पहले 4100 किलोमीटर की रेलवे लाइंस इलेक्ट्रिफाइड थी, वहीं आज वो 28,000 किलोमीटर की हो गई हैं। पहले कॉरपोरेट टैक्स रेट 33% था, जो अब सिर्फ 20% है। 2013 में हमारा इन्फ्लेशन 10% के करीब था और आज 4.7% के करीब है। यही नहीं, साल 2013 के मुकाबले आज डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने अपने टाइम के चैलेंजेस को फेस किया और ज़रूरी सुधार किए। नो डाउट आज पहले से ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन बीते 10 सालों में इंडिया ने बहुत ग्रो भी किया है। बाकी आप मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के इस कंपैरिजन के बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से कौन रहा भारत का बेहतर प्राइम मिनिस्टर, हमें अपना ओपिनियन कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के आइडियाज़ अपने कमेंट सेक्शन से ही लेते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।